स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत परचेस वाउचर में सैकड़ों एंट्रीज करते हैं, हजारों एंट्रीज करते हैं और उन सैकड़ों हजारों आपके द्वारा की गई एंट्रीज में आप ये चाहते हैं कोई भी गलती ना रहे, आपका कार्य 100% सही तरीके से हो। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को अपना कर आप परचेज की जो सैकड़ों हजारों एंट्री करेंगे उन एंट्रीज में कहीं भी कोई भी गलती नहीं रह जाएगी, आपका कार्य 100% सही तरीके से होगा। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको पता है कि परचेज वाउचर में जो भी आपने एंट्रीज की हैं उनको देखने के लिए हम कहां जाते हैं, परचेज रजिस्टर में। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से परचेज रजिस्टर में जाने के लिए मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आगे परचेज रजिस्टर में, यहाँ जो भी हमने परचेज वाउचर में एंट्री की है वो मंथली हमें लगी हुई मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जो एंट्रीज की है परचेज वाउचर में उसमें जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो परचेज वाउचर में एंट्रीज की है वो सारी की सारी सही हुई है या नहीं हुई है, कोई गलती है तो उन गलती को हम किस तरह से पकड़ें, किस तरह से सुधार करें, तो वो पीरियड आप कर लीजिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ पूरा का पूरा पीरियड 1 अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर तक मैंने परचेज वाउचर में एंट्री की है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर। अब दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मैंने कई सारी परचेज वाउचर की एंट्री की है। अब एंट्रीज तो मैंने कर ली, अब मुझे ये देखना है कि किन्हीं एंट्रीज में मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, तो उस गलती को हम किस तरह से फटाफट चेक करेंगे और कोई गलती भी की हो तो उसको हम तुरंत सुधार कर और अपना कार्य 100% सही कर लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा कॉलमनर, तो आपको कॉलमनर लिखा हुआ जो बटन इस पर क्लिक करना होगा या F8 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। कॉलमनर लिखे हुए बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर हो जाएगी, आप आ जाएंगे कॉलमनर रजिस्टर में। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें कि आप नो और यस की वैल्यू दे सकते हैं, जिनको आप यस करेंगे तो उससे रिलेटेड अगली स्क्रीन पर कॉलम आ जाएगा और उन कॉलम में उससे रिलेटेड डिटेल शो होने लगेगी। जब ये हमको शो होने लगेगा तो हम पकड़ पाएंगे इस चीज को कि किसी कॉलम में जो डिटेल आ रही है वो हमने गलत तो नहीं डाल दी है, गलत डाल दी तो सही कर सकते हैं, और कॉलम में डिटेल डाल ही नहीं पाए तो हम डिटेल डाल भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उनको आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। अब आपको अपनी गलती पकड़ने के लिए यानी आप किन किन फील्ड्स में गलती कर सकते हैं उन फील्ड से रिलेटेड कॉलम है उनको यस कर दीजिए, और ऐसे फील्ड्स जो कि आपके लिए इस तरह की गलती पकड़ने में सहयोगी नहीं है उनको आप यहां से नो करके हटा दीजिए जिससे कि स्क्रीन पर ज्यादा कॉलम ना आए। तो यहां पर सो सप्लायर नेम है उसको आप नो ही रहने दीजिए क्योंकि सप्लायर का नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसी तरह से सप्लायर का एड्रेस है, इसको यदि आप चेक करना चाहते हैं तो उसको यस कर दीजिए, मुझे इसको चेक नहीं करना है क्योंकि इसकी गलती को मुझे नहीं पकड़ना है। तो जिन जिनकी गलती को पकड़ना है वो आप यहां से यस कर दीजिए। यहां पर सो वाउचर टाइप है इसको भी मैं नो कर देता हूं क्योंकि वाउचर टाइप तो परचेज रजिस्टर में आए तो वहां पर परचेज वाउचर ही दिखाई देगा। यदि इसको भी आपको चेक करना है, कॉलम लाना है वाउचर टाइप का, तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सो वाउचर नंबर को भी मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि सप्लायर इनवॉइस नंबर का जो कॉलम होता है वहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर डालता हूँ। अब यहाँ पर सो सप्लायर इनवॉइस नंबर इसको मैं यस रहने दूंगा, क्यों, क्योंकि इनवॉइस नंबर सप्लायर इनवॉइस नंबर का कॉलम आए और उसमें मैंने कोई गलती करती उसको पकड़ पाऊँ। इस तरह सप्लायर इनवॉइस नंबर डॉट डेट है इसको भी मैं यस रहने दूंगा। पार्टी GSTIN यानी हमने जिस सप्लायर से परचेज की उन सप्लायर का हमने GSTIN भी डाला होगा लेजर क्रिएट करते समय, तो वो GSTIN भी हमको दिखाई दे जिससे कि हम ये पकड़ पाए कि किसी पार्टी के लेजर में क्रिएट करते समय हमने GSTIN नहीं डाल पाया है तो वो हमको शो हो जाए और हम उसकी अपनी गलती को सुधार पाए, या गलत डाल दिया तो उसको भी हम सुधार पाए, ठीक है ना। तो सो पार्टी GSTIN इसको भी मैंने यस रहने दिया। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कॉलम मिलेंगे, है ना, तो उनको आप यहाँ पर यस कर सकते हैं जिस फील्ड में आपको चेक करना है। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी को भी यस कर देता हूँ, सो क्वांटिटी डिटेल कि क्वांटिटी मैंने डाली है या नहीं डाली इसको भी मुझे चेक करना है, गलत तो नहीं डाल दी उसको चेक करने के लिए सो क्वांटिटी डिटेल इसको भी मैंने यस कर दिया, और सो रेट डिटेल यानी पर क्वांटिटी की रेट है उसको भी मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये भी मैंने यस कर दिया। तो यहाँ पर जो जो भी कॉलम्स हैं उनको आप यस कर दीजिए और जो अनुपयोगी हों उनको आप हटा दीजिए जिससे कि एक ही पेज पर आप अच्छी तरीके से ये सारी जानकारी ले पाएं। अब मैंने जो जो भी कॉलम्स मुझे यस करने थे उनको यस कर दिया क्योंकि मुझे लगता था इन कॉलम्स में मैं गलती कर सकता हूँ, है ना, उनको मैंने यस किया। और फिर आपको क्या करना है, इसको एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए एक ही पेज पर सारे के सारे कॉलम आ गए, है ना।
तो जो अनुपयोगी कॉलम है वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। और अब यहाँ पर आ जाते हैं और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि आगे जा रहे हैं, उनको भी यहाँ से हटाना चाहते हैं तो F8 प्रेस कर दीजिए और फिर भी आप यहाँ पर सेटिंग करके और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कॉलम वहाँ से हट जाएंगे। तो कभी भी आप इसमें कॉलम ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे जो जो भी कॉलम चाहिए थे वो ले लिए, क्योंकि इन फील्ड्स में मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो सकती थी। सबसे पहले डेट है तो डेट के कॉलम में डेट्स हो रही, पर्टिकुलर में पार्टी का नेम हो रहा है तो पार्टी का नेम में मैंने कोई गलती की है तो वो पकड़ सकता हूँ। वाउचर टाइप में देखिए, वाउचर टाइप परचेज है, कोई दूसरा वाउचर आप यूज करते हैं, परचेज के अंतर्गत आपने कोई दूसरा वाउचर क्रिएट कर रखा है उसमें एंट्री की है तो वो भी आपको वाउचर टाइप के कॉलम में शो हो जाएगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम में जब हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं तो वहां पर हमारे जो सप्लायर एजेंसी के हम परचेज किए हैं, है ना, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में उनका इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। तो आपको इस फील्ड में कोई गलती की होगी तो इस कॉलम के अंतर्गत आपको पकड़ में आ जाएगी। सप्लायर इनवॉइस डेट के कॉलम में डेट्स हो रही है। GSTIN के कॉलम में जो भी आपके सप्लायर हैं जिनसे कि आपने परचेज की उनके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो रहे हैं, है ना। किसी में ये खाली शो रहा है तो आप समझ जाइए आपने लेजर क्रिएट करते समय वहां पर उनका GSTIN डालना भूल गए, उसको सही कर सकते हैं। कोई गलत है तो गलत भी आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएगा, तो आपको GSTIN दिखेंगे और उनकी गलती को आप सुधार सकते हैं। क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी, रेट के कॉलम में पर क्वांटिटी रेट, ग्रॉस टोटल के कॉलम में लास्ट वैल्यू, यानी परचेज वाउचर में जो आपने एंट्री की उसकी लास्ट वैल्यू इनवॉइस वैल्यू होती है वो आपको ग्रॉस टोटल के कॉलम में शो होगी। परचेज के कॉलम में आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवॉइस की वो आपको इस जगह पर शो हो जाएगी। और CGST, SGST, IGST के कॉलम में आपने एंट्री में जो भी टैक्स कैलकुलेट किया है जितना भी वो आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएगा। अब ये वो कॉलम्स थे जिनमें कि हम गलती कर सकते थे, तो सारे कॉलम्स हमको इस जगह पर दिखाई दे गए। अब सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि आप क्या गलती कर सकते हैं। सबसे पहली गलती हमसे ये हो सकती है कि हमने जो भी परचेज वाउचर में एंट्री की तो हो सकता है एक परचेज के इनवॉइस की हमने एक से अधिक बार एंट्री कर ली हो, है ना, तो वो हम पकड़ सकते हैं। और यहाँ से एक से अधिक बार जो हमने एंट्री कर रखी है उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह पर जब आप आ जाएं तो यहाँ से F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है सॉर्टिंग मेथड में। सॉर्टिंग मेथड में जैसे ही आपका कर्सर आएगा सॉर्टिंग मेथड का पॉपअप आ जाएगा और यहाँ से आप ले लीजिए अल्फाबेटिकल A to Z, जिससे कि जो भी पार्टी है वो अल्फाबेटिकल लग जाए, जिससे कि हमें एक इनवॉइस की हमने यदि अधिक बार एंट्री कर दी है तो आसानी से पकड़ पाएं। तो यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड में मैंने अल्फाबेटिकल A to Z किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, जो भी पार्टीज थी वो नेम के आधार पर यहाँ पर अल्फाबेटिकल लग गई, पहले ए फिर बी सी इस तरह से आपकी लग जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए सारी अल्फाबेटिकल लग गई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कोई भी इनवॉइस की आपने डबल एंट्री या एक से अधिक बार एंट्री कर दी है। अब आपको क्या करना है, डेट पर ध्यान देना है और पार्टी पर ध्यान देना, बस दो चीज़ पर ध्यान देना है। तो आपने कोई भी वाउचर एंट्री अगर दो बार कर दी है एक बार की जगह, या एक बार की जगह एक इनवॉइस की आपकी एक बार एंट्री करनी थी आपने तीन बार कर दी, तो पकड़ने के लिए डेट और पर्टिकुलर यानी डेट और नेम पर ध्यान दीजिए बस। अब आपको क्या करना है, आप इस जगह पर आएंगे डेट के कॉलम में और जब भी आपको सेम डेट और सेम पार्टी दिखेगी तभी आपको चौकन्ना होना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, 31 मई 31 दिसंबर अलग डेट है, पार्टी भी अलग है। तो सबसे पहले हम डेट पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि एक ही सेम डेट तो नहीं है। अब ये देखिए 2 जून 2 जून ये सेम डेट आ गई। अब सेम डेट देखने के बाद आपको देखना है कि पार्टी भी सेम है क्या, यहाँ पर देखिए पार्टी भी सेम है। अब सेम डेट है सेम पार्टी है तो आपको ये भी देखना है कि कहीं इनवॉइस नंबर भी तो सेम नहीं है। अब देखिए इनवॉइस नंबर भी सेम हो रहा है, यानी सेम डेट है तो हम चौकन्ना हो गए। सेम डेट के बाद पार्टी देखी तो पार्टी भी सेम है और फिर देखा तो इनवॉइस नंबर भी सेम है। इसका मतलब इस इनवॉइस की हमें एक बार एंट्री करनी थी, हमने दो बार कर ली, तो अल्ट के साथ डी प्रेस करके हम यहीं से इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। तो डिलीटिंग की प्रोसेस चल रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेट और पर्टिकुलर में जो पार्टी है उस पर ध्यान देकर और यहाँ पर एक वाउचर एंट्री की यदि आपने दो बार एंट्री कर रखी है तो आप यहाँ पकड़ सकते हैं। अब देखिए मैं आगे चलता जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सेम डेट नहीं, अब देखिए सेम डेट आ गई, सेम डेट है, पार्टी भी सेम है, तो हमने देखिए इनवॉइस नंबर देखे तो इनवॉइस नंबर भी सेम है, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये भी एंट्री हमको एक बार करनी थी और मैंने गलती से दो बार कर दी। तो आपको सेम डेट और सेम पार्टी पर ध्यान देना है। अब देखिए हम नीचे चले आ रहे हैं, यहाँ पर सेम डेट नहीं, अब देखिए ये सेम डेट आ गई 1 मई में जानकी टेटर्स, लेकिन इनका इनवॉइस नंबर अलग है 189-195, इसका मतलब ये एंट्री हमने सही की है, इसके हमने डबल एंट्री नहीं की है। अब हम फिर आ जाते हैं इसी जगह पर डेट पर और डेट पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम डेट जब हम मिलेगी हमें तब हम यहाँ पर चौकन्ना होंगे। देखिए सेम डेट अब मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है तो हम नीचे चलते चले जा रहे हैं। अब देखिए ये सेम डेट आ गई, सेम पार्टी आ गई, 2 अप्रैल मोहन टेटर्स, लेकिन इनवॉइस नंबर इनके अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने एंट्री सही की है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं यहाँ पर, अब सेम डेट जब देखेंगे तो यहाँ पर सेम डेट में एक पार्टी हमको इस जगह पर कोई शो नहीं हो रही है। हम चले आएंगे बड़ी आराम से नीचे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी सेम डेट नहीं है और सेम पार्टी नहीं है, इसका मतलब हमने जो एंट्री डबल कर रखी थी वो मैंने बहुत आसानी से पकड़ ली। इसके अलावा पर्टिकुलर में पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, वहाँ नेम में यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसको भी बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ था, ये देखिए
नेम के कॉलम में मैंने देखिए गलती कर दी थी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया पार्टी का नेम मनमोहन ट्रेडर्स, जबकि ये मदन मोहन ट्रेडर्स है ना, तो यहीं से मैं इसको सुधार भी सकता हूँ। एंटर प्रेस कर दूंगा और देखिए पार्टी का नेम मैंने गलत डाल दिया था, तो पार्टी का नेम भी यहाँ पर मुझे पकड़ में आ गया और उसको भी मैं सही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मदन मोहन ट्रेडर्स, है ना, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट किया। इसको भी मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए पार्टी का जो नेम था वो मैंने गलत डाल दिया था, तो उस गलती को भी मैंने इस जगह से सुधार लिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से यदि आपने एक वाउचर एंट्री को एक से अधिक बार कर दिया उसको पकड़ सकते हैं, पार्टी का जो नेम है वो गलत डाल दिया वो पकड़ सकते हैं। वाउचर टाइप में देखिए तो वाउचर टाइप में परचेस हो रहा है, जो भी वाउचर टाइप है वो आपको इस जगह दिखाई दे जाए, कोई गलती की है तो इसको भी आप सुधार सकते हैं। अब हमारा कर्सर आएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर में, तो जो जो भी इनवॉइस है उन सबके देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर शो रहा है, लेकिन इस जगह पर इनवॉइस नंबर शो नहीं हो रहा। देखिए इस जगह पर देखेंगे हर्षित ट्रेडर्स का, तो हर्षित ट्रेडर्स से यहाँ पर देखिए हमने ये इनसे परचेज की है, लेकिन यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर शो नहीं हो रहा है, हम गलती से इनवॉइस नंबर डालना भूल गए। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वास्तव में सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर कॉलम खाली रह गया था, गलती से हम नहीं डाल पाए थे, तो ये गलती मैंने तुरंत पकड़ ली सेकंडों में और इसको मैं सही भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्टी कौन सी, हर्षित ट्रेडर्स, और जो इनवॉइस नंबर है वो मैं इस जगह पर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये परचेज का इनवॉइस है, ये मैंने डाल दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं और कोई सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं डालना भूल गया हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सब चेक कर लेता हूँ, सप्लायर इनवॉइस नंबर में कर्सर लेकर आया और यहाँ पर चला गया इस जगह पर। देखिए यहाँ पर एक और है इनवॉइस, इसमें भी मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना भूल गया हूँ, तो इसको भी मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और इस जगह पर आ गया। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूँ जो इनका है, है ना, तो वो मेरे पास है इनवॉइस, तो उस इनवॉइस को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और देखते हैं कहीं और तो नहीं रह गए सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम खाली। तो आप देखिए यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर का कोई भी कॉलम है जो वो खाली नहीं है, और जिनमें मैं डाल नहीं पाया था वो मैंने तुरंत पकड़ लिया सेकंडों में एक ही जगह से, और यहाँ पर मैंने उसको सही भी कर लिया। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर डेट के कॉलम में डेट्स हो रही है। अब देखिए सप्लायर का GSTIN, अब यहाँ पर देखिए GSTIN के कॉलम में आपको सभी पार्टी को GSTIN शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबके GSTIN के कॉलम में आपको शो रहे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए इनका GSTIN डालना हम भूल गए, कौन है ये, बसंत ट्रेडर्स, है ना। तो बसंत ट्रेडर्स का GSTIN यहाँ पर GSTIN कॉलम में शो नहीं हो रहा है, तो यहीं से हम एंटर प्रेस कर देंगे और इनका GSTIN है वो इनके पार्टी के लेजर में जाकर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आए, इस जगह पर आ गए, और इस जगह पर आने के बाद एंटर प्रेस करते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पर इनके GSTIN के कॉलम में, और यहाँ पर जो इनका GSTIN है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और इस तरह से क्या करूँगा दोस्तों, मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँगा। चलिए मैं यहाँ पर इनका GSTIN डाल देता हूं, ठीक है ना, और डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहां से एक्सेप्ट कर लूंगा। कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखेंगे तो इनका जो बसंत ट्रेडर्स हमारी पार्टी थी जिसके की लेजर क्रिएट करते समय हम यहाँ पर GSTIN नहीं डाल पाए थे, तो यहाँ पर मैंने वो गलती को सेकंडों में पकड़ लिया और उसको सही भी कर लिया। क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी सो रही है, तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में देखेंगे सभी में यहाँ पर क्वांटिटी सो रही है, और देखिए इस जगह पर क्वांटिटी सो नहीं हो रही है, एक ये वाली एंट्री है, और देखते हैं यहाँ पर कोई और एंट्री है जो क्वांटिटी के कॉलम में खाली सो रही है, ये भी सो रही है। तो इसके दो रीजन होते हैं दोस्तों, है ना, अगर क्वांटिटी के कॉलम में यहाँ पर क्वांटिटी शो नहीं हो रही है तो एक रीजन तो ये होता है कि अलग अलग यूनिट आपने यूज की है तो इस जगह पर दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आए तो इसमें वास्तव में हम क्वांटिटी डालना भूल गए थे, तो ये एंट्री हमने पकड़ ली गलती, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनवॉइस है तो यहाँ पर हम इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डाल देते हैं, तो वो क्वांटिटी है 40, ठीक है, और शुगर जो स्टॉक आइटम है इसकी भी क्वांटिटी हम यहाँ पर डालना भूल गए थे, इसकी क्वांटिटी भी डाल देते हैं। और इस तरह से हमको ये भी पकड़ में आ गया इसी जगह से क्वांटिटी के कॉलम से कि भैया हम इसमें क्वांटिटी नहीं डाल पाए थे तो हमने क्वांटिटी डाल दी। अब एक और है जानकी ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पर भी क्वांटिटी के कॉलम में रिक्त सो रहा है, खाली सो रहा है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल रखी है। अब वो किस लिए सो नहीं हो रही, चलिए जान लेते हैं, वो इसलिए सो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर बैग और किलोग्राम क्वांटिटी में देखेंगे तो बैग यूनिट है, किलोग्राम यूनिट है, तो एक से अधिक अगर कोई यूनिट आप यूज करेंगे डिफरेंट तो इस जगह पर शो नहीं होगी, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि यहां से वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी गलतियां थी हम यहां से पकड़ते जा रहे हैं और इसके बाद हम इस जगह पर आ गए और यहां पर देखेंगे तो हमको ये गलती अगर हमने की है कि किसी भी एंट्री में हमने यदि टैक्स कैलकुलेट नहीं करा पाया है गलती से तो वो एंट्री भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि IGST है, CGST, SGST सब जगह यहाँ पर शो रहा है। ये देखिए ये वाली जो एंट्री है हमारी, है ना, ये हर्षित ट्रेडर्स से 2 सितंबर में जो हमने परचेज किए
फाइव नंबर का जो इनवॉइस नंबर है उस जगह देख रहे हैं तो ना तो आईजीएसटी कैलकुलेट दिखाई दे रहा है ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी, तीनों के ही कॉलम में यहाँ पर अमाउंट शो नहीं हो रहा, तो हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम लेजर लगाना भूल गए यहाँ पर टैक्स का, वास्तव में हम यहाँ पर टैक्स का लेजर लगाना भूल गए है ना, तो उस गलती को ही मैंने पकड़ लिया यहाँ पर तुरंत, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारी स्टेट के, तो यहाँ पर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी इस पर कैलकुलेट करा दिया, ठीक है ना। इस जगह पर आ गए, अब फिर से हम यहाँ पर चलते हैं, कहीं और कोई एंट्री तो नहीं है ऐसी जिसमें कि हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करा पाए हो, तो सेकंडों में हम यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, यहाँ पर देखिए आईजीएसटी भी है। अब देखिए ये एक एंट्री और है, ये देखिए ये एंट्री है 31 जुलाई की, 31 जुलाई में जानकी ट्रेडर्स से हमने यहाँ पर परचेज की है, और 31 जुलाई में जो हमने जानकी ट्रेडर्स से परचेज की है तो देखिए यहाँ पर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो इस एंट्री को भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है हम लेजर नहीं लगा पाए टैक्स का, है ना, तो ये हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है, तो यहाँ पर मैं आईजीएसटी का लेजर लगाऊंगा और इस पर आईजीएसटी कैलकुलेट करा दूंगा। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो भी कार्य था वो यहाँ पर 100% सही हो गया। सबसे पहला तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो भी हमने डबल वाउचर एंट्री कर रखी थी उनको यहाँ से देख लिया, पार्टी का लेजर था उसमें नेम गलत डाल दिया तो वो भी सही कर लिया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर है किसी एंट्री में हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालना भूल गए थे वो भी मैंने यहाँ पर पकड़ लिया और सही भी कर लिया। इसके अलावा पार्टी का जो GSTIN है यहाँ पर देखिए ये GSTIN इस जगह पर शो नहीं हो रहा है, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हमने ये डाला है और इसको हम यहाँ से सही कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या गलती की है। तो यहाँ पर हम जाते हैं मोर डिटेल्स में, मोर डिटेल्स में जाने के बाद इस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर इनका जो हमने GSTIN डाला है उसको यहाँ पर सही कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 31 दिसंबर में डाला था तो हम इसको कर देते हैं 1/4 से, अब देखिए यहाँ पर इनका GSTIN वसंत ट्रेडर्स का वो सोने लगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि क्वांटिटी के कॉलम में हमने जो गलती की थी वो हमने सुधार ली, इसके अलावा रेट के कॉलम में पर क्वांटिटी की रेट भी सो रही है, और CGST SGST IGST हम लगाना किन्हीं एंट्रीज में भूल गए थे वो भी मैंने यहाँ से पकड़ लिया है ना। तो क्या कर सकते हैं, एक ही स्क्रीन पर आकर आप सेकंडों में अपनी सारी गलतियां पकड़ सकते हैं और सारी गलतियां पकड़ने के बाद आप उन गलतियों को सही भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ एंट्रीज ऐसी हैं दोस्तों कि जहाँ पर आप क्या करेंगे एक से अधिक यूनिट यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किलोग्राम्स भी बैग भी है तो वो आपको इस जगह पर दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो आप क्या कीजिए यहीं से अल्ट के साथ F5 प्रेस करके ये भी जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा अल्ट के साथ F5, या देखिए यहाँ पर मैं अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देता हूँ तो देखिए खुलकर आ गई है सारी डिटेल। अब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहली एंट्री थी हमारी देखिए आकाश ट्रेडर्स की है, तो क्वांटिटी के कॉलम में यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, देखिए क्वांटिटी के कॉलम यहाँ पर खाली है, वो इसलिए था क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम और बैग दो डिफरेंट यूनिट है, इसलिए यहाँ पर जब हम पिछली स्क्रीन पर देख रहे थे तो क्वांटिटी कॉलम कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है 500 किलोग्राम, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आइटम है और किस किस क्वांटिटी में मैंने परचेज किया और क्वांटिटी की रेट, हर एक की रेट भी पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने 1000 किलोग्राम परचेज किया है शुगर 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, इसी तरह से 300 किलोग्राम हमने परचेज किया है इसमें बादाम स्टॉक आइटम, है ना, और उसकी पर क्वांटिटी की पर किलोग्राम की रेट है 180 रुपये, है ना। अब आप क्या कीजिए अल्ट के साथ F5 फिर से प्रेस कर दीजिए, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर में जो सैकड़ों हजारों एंट्री किए उनमें किसी भी तरह की आपने गलती की हो एक ही पेज पर इस जगह पर आकर आप उसको पकड़ सकते हैं और जिस भी फील्ड में आपने गलती की है उस फील्ड में की गई गलती को इसी जगह से सुधार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।